बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज, और इसे लेकर आपको बता दें कि आज व्हिप जारी किया गया है, सभी विधायकों को उपस्थित रहने को कहा गया है। तो बजट सत्र का तीसरा दिन है आज, सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, सभी दलों ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है, सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज, सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, सभी दलों ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने विधायकों को भी व्हिप जारी किया है, सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि आज वोटिंग होनी है, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। आपको बता दें कल काफी नोकझोंक देखने को मिली, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा अहम रहा, इसके अलावा तहसील के कामों को लेकर भी सवाल जवाब किए गए, राम मंदिर के प्रस्ताव को लेकर भी बातचीत की गई। अब आज का दिन भी अहम रहने वाला है, तीसरा दिन है हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का, आज भी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, 28 तारीख तक ये कार्यवाही चलेगी। आपको बता दें कि आज जो तीसरा दिन है कार्यवाही का, 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज का सदन की कार्यवाही का आज का ये तीसरा दिन है, क्या कुछ खास रहेगा आज की कार्यवाही में, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होनी है आज? बिल्कुल राजश्री, देखिए आज विधानसभा सत्र का जो है वो तीसरा दिन है, और तीसरे दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लगाया गया है, और उस पर आज सबसे पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद उस पर वोटिंग भी होनी है कि अगर बहुमत की बात की जाए, अगर आंकड़ों की बात की जाए, नंबर्स की अगर बात की जाए, तो नंबर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हैं, उनके सहयोगियों की अगर बात की जाए तो जेजेपी के पास 10, निर्दलीय 6 और एक हलोपा जो सिरसा विधायक गोपाल कांडा हैं, एक वोट उनका है, तो कुल मिलाकर 58 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरना लगभग तय माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से व्हिप जो है वो जारी की गई है, चाहे हम जेजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीनों ही दलों की तरफ से अपनी अपने तमाम जो विधायक हैं उनको व्हिप जारी कर दिया गया है। और व्हिप का मतलब यहाँ सीधा सा इतना है कि कोई भी जो विधायक है वो गैर मौजूद नहीं रह सकता, उनको सदन में आना होगा और इसके साथ साथ वोटिंग में हिस्सा लेना होगा, क्योंकि व्हिप का मतलब ये होता है अगर कोई विधायक व्हिप जारी होने के बाद सदन में गैर मौजूद रहता है या फिर पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ जो है वो पार्टी जो है वो कार्रवाई कर सकती है, उसको कहीं ना कहीं अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये तमाम ही दलों की तरफ से व्हिप जो है वो जारी कर दिया गया है, और इसके साथ साथ अगर मुद्दों की बात की जाए तो आज अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी जो नोकझोंक है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ प्रश्नकाल के बाद रेवाड़ी में एम्स और आयुष्मान कार्ड को लेकर लगाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा जो है वो होनी है। इसके बाद अनुरूपक अनुमानों पर चर्चा और मतदान जो है वो किया जाएगा, नियम 121 के अधीन प्रस्ताव जो है वो रखे जाने हैं, और कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर वोटिंग भी आज ही होनी है। अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक पूरे पुनर्स्थापित जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2024 और औद्योगिक विवाद निरसन विधेयक 2024 पर भी वो भी आज पारित किया जाना है। तो ये कुल मिलाकर बिजनेस है, और बिजनेस के अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा दिन आज वो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक, यानी कि हंगामे के पूरे आसार जो है वो आज सदन में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और रवि, अगर हम दो दिन की कार्यवाही पर नजर डालें तो कौन कौन से मुद्दे अब तक उठाए जा चुके हैं विपक्ष की तरफ से?
बिल्कुल राजश्री, अगर बात की जाए पिछले दो दिन की कार्रवाई की, तो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, अभिभाषण पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कल की अगर बात की जाए, तो कल भी प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई। तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे जो है वो उठाए थे, और इसके बाद जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है देर शाम तक जारी रही। मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था, जवाब कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बीच जो है वो देखने को मिली। और इसके साथ साथ बिजली को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर जो है वो सरकार नजर आई। बिजली को लेकर दावे सरकार ने किए कि 24 घंटे हम ज्यादा से ज्यादा गाँव में बिजली प्रोवाइड कराते हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक रघुवीर कादयान के और मुख्यमंत्री के बीच भी तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उनको कल नेम जो है वो कर दिया गया सदन से, क्योंकि वह अपने तय समय से ज़्यादा समय जो है वो लेना चाह रहे थे राज्यपाल अभिभाषण को लेकर। तो कहीं ना कहीं स्पीकर और विधायक बलराज कुंडू के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उसके बाद विधायक बलराज कुंडू को सदन से नेम कर दिया गया। तो आज की कार्रवाई किस प्रकार से रहती है, ये तमाम मुद्दे आज के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आज भी हंगामे के पूरे आसार जो है वो सदन में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, एक चीज़ और है कि अब 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट भी पेश करने वाले हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल आश्चर्य, देखिए कल बजट पेश होगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री इस कार्यकाल का आखिरी जो बजट है वो पेश करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कहते हैं अंत्योदय की भावना से बजट जो है वो रहने वाला है, इसके साथ साथ पंक्ति में हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का ध्येय है जो इन तमाम योजनाओं से परियोजनाओं से वंचित है, तो इसको ध्यान में रखा गया है। इसके साथ साथ प्रदेश की विकास की गति को और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, उन तमाम चीज़ों को इसमें उसको देखते हुए ये बजट जो है वो बनाया गया है। साथ साथ अगर बात की जाए राजश्री, बजट जिस प्रकार से रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। किस प्रकार से आने वाले समय में विकास जो है वो किए जा सकते हैं, ये तमाम बातों का इस बजट सत्र में, इस बजट में पूरा ख्याल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो दो दिन सदन में काफी नोकझोंक देखने को मिली, कल तीसरा दिन था। कल भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नजर आए। अब 23 तारीख को बजट भी पेश होना है, तो उसे लेकर भी कई तरह की तैयारियां हैं। आज की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो तीसरा दिन है, जैसा कि रवि जानकारी भी दे रहे थे कि आज भी तीखी नोकझोंक सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिल सकती है कई मुद्दों पर।